यह है दिल्ली की नवजीवन कॉलोनी और आज हम इस कॉलोनी के बारे में बात करेंगे। क्यों, पर इस कॉलोनी में ऐसा क्या है? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे ये लोग। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी कॉलोनी में फूड वेस्ट ना हो और जितना भी फूड वेस्ट हो वो सब का सब कंपोस्ट में कन्वर्ट हो। मैं इंश्योर करती हूँ कि हमारी कॉलोनी में कोई भी पुराने कपड़े फेंके नहीं, बल्कि इन प्री लव्ड क्लोथ्स को नीडी लोगों के पास पहुँचाया जा सके। मैं अपनी कॉलोनी के वाटर को वेस्ट होने से बचाता हूँ और वाटर वेस्ट हार्वेस्टिंग पिट्स को फंक्शनल रखता हूँ। मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी वेस्ट ना जाए, बल्कि हम तो रेजिडेंट्स को इस बात पर जोर देते हैं कि सूखे और गीले कचरे को घर में ही अलग कर लिया जाए। मैं ये ध्यान देती हूँ कि हमारे गार्डन का जो वेस्ट निकलता है वो कहीं सड़क पे ना फेंका जाए, उसको हम लोग ढंग से संभाल लेते हैं। पर अराउंड 250 रेसिडेंट्स वाली ये कॉलोनी इतना सब कुछ कर कैसे रही है, ये हम सबके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली 4 साल पहले MCD की टीम के मेंबर्स हमारी कॉलोनी में हमें क्लेनलीनेस और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करने के लिए आए थे और इस सेशन में हमें पता चला कि वेस्ट मैनेजमेंट कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। इस सेशन के जरिए हमने एक और बात जानी, पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी नहीं कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव लाएं, बल्कि आप तो छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज में एक नया संदेश दे सकते हैं। तो इस कॉलोनी के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपनी कॉलोनी को जीरो वेस्ट कॉलोनी बनाएंगे, पर ये इतना आसान नहीं था। हमारे सोसाइटी में मोर देन 1000 लोग रहते हैं और हर एक को इंडिविजुअली समझाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। तो देखते हैं कि नवजीवन कॉलोनी एक जीरो वेस्ट कॉलोनी कैसे बनी और इस कॉलोनी का सारा वेस्ट आखिर जाता कहाँ है। हम सबसे ज्यादा तवज्जो सेग्रीगेशन पर देते हैं, इससे सूखा कचरा रिसाइकल हो जाता है और गीला कचरा कंपोस्ट बन जाता है। पर वेस्ट सेग्रीगेशन में हमारी मेड्स और वेस्ट कलेक्टर्स का काफी समय जा रहा था और वो ये करना नहीं चाहते थे। फिर हमने मेड्स को समझाने का एक तरीका निकाला। हमारे एक प्रोग्राम में हम मेड्स को हर महीने सैनिटरी नैपकिन्स फ्री बांटते हैं। उसमें हमने मेड्स को वेस्ट सेग्रीगेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया और बदलाव शुरू हुआ और कॉलोनी के लोगों ने डिसाइड किया कि वो सैनिटरी पैड्स भी बायोडिग्रेडेबल ही देंगे, सो दैट इससे भी एक और वेस्ट क्रिएट ना हो। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप था फूड वेस्ट से कंपोस्ट बनाना। हमने अपनी कॉलोनी में एक कंपोस्ट पिट इंस्टॉल किया जिसमें सारी कॉलोनी के फूड वेस्ट जैसे सब्जी फल के छिलके, वेजिटेबल पील्स, बचा हुआ खाना, ये सारा का सारा कुछ जाने लगा और इससे हम कंपोस्ट बनाने लगे, जिसकी वजह से हम हर साल तकरीबन 10,000 किलो कंपोस्ट खुद ही बना लेते हैं और इस कंपोस्ट को हम अपने गार्डन्स और पार्क्स में यूज करते हैं। इसको यूज करने से ना ही हमारी सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है, बल्कि हम वेट वेस्ट को लैंडफिल में जाने से भी बचा पाते हैं। और इसी वजह से पिछले 3 सालों से इस कॉलोनी का वेट वेस्ट बाहर ही नहीं गया, एंड दैट ट्रूली अमेज मी। हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमारे जो गार्डन से निकला हुआ वेस्ट है उसका भी हम कुछ करें। तो हमने एक श्रेडर खरीदा और जितने सूखे पत्ते निकलते हैं सब श्रेड करके हमने हर एक पार्क में लीफ कंपोस्टर्स में डाल दिया और देखते ही देखते 3 या 4 महीने के अंदर हमें बहुत अच्छा खाद मिल जाता है जिसको हम अपने पार्क के पौधों में ही यूज करते हैं। क्योंकि अब ये कचरा घरों से ही सेग्रीगेट होकर आ रहा है, इससे ये भी जाहिर है कि अब ये डायरेक्टली रिसाइकलिंग के लिए तैयार है। पर अभी भी कई सारी चीजों पे काम करना बाकी था और हम ये भी चाहते थे कि जो कॉलोनी में रेन वाटर का पानी वेस्ट होता है उसको भी हम इकट्ठा करें और उसको सेव करें। तो उसके लिए हमने 5 locations आइडेंटिफाई की जहाँ पे कॉलोनी में रेन वाटर जमा हुआ करता था। तो हमने 5 water harvesting pits बनाई और पानी को चैनलाइज किया जिससे कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होने लग गया। अभी हम 3 water harvesting pits और बना रहे हैं। साथ ही हमने अपने घरों के नलकों में एरेटर्स फिक्स कराए हैं सो दैट वाटर का फ्लो कम हो जाए
और पानी को हम एफिशिएंटली यूज कर सकें। ये सब करने के बाद हमने अगला स्टेप ये लिया कि हम फैब्रिक वेस्ट पे भी ध्यान देंगे, इसलिए हर 2-3 हफ्ते में हम अपनी कॉलोनी में क्लॉथ डोनेशन ड्राइव करते हैं, जिसमें लोग अपने प्री लव्ड क्लोथ्स डोनेट करते हैं। इससे ये कपड़े वेस्ट नहीं होते और नीडी लोगों के काम आ जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे कॉलोनी में काफी लोग बायो एंजाइम अपने घरों में खुद बना लेते हैं। ये बनाना बहुत आसान है, सब्जी के छिलके या खट्टा किसी फलों के छिलके से बहुत आसानी से बनता है। ये एक नेचुरल केमिकल फ्री क्लेंसिंग लिक्विड है जो अपने घरों में किचन टॉप्स या सिंक्स बेसिन्स सफा करने के लिए यूज किया जाता है। इससे दो चीजें होती हैं, एक कि बायो एंजाइम के यूज से केमिकल से बने क्लीनर्स को अवॉइड किया जा सकता है, और दूसरा कि इससे प्लास्टिक बॉटल्स भी नेचर में ऐड होने से बच जाएंगी। और ऐसे नवजीवन कॉलोनी सक्सेसफुली एक जीरो वेस्ट कॉलोनी बन गई। और साथ ही ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सब इस कॉलोनी से इंस्पिरेशन लें और अपनी सोसाइटी को भी जीरो वेस्ट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल है, ये तो नवजीवन बिहार कॉलोनी ने प्रूव कर दिया है। इनफैक्ट हमारे इन इनिशिएटिव से आसपास की कई कॉलोनीज प्रेरित हुई, और इनमें से 3 ने तो हमारे ही जीरो वेस्ट मॉडल को अपनाया और एनवायरमेंट को बचाने के लिए एक स्टेप लिया है। अगर आपको नवजीवन बिहार की ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी ये स्टोरी पता लगे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज जीरो वेस्ट में कन्वर्ट हो सके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे।